से मेरे सपनों में तुम्हारे। हाय एवरीवन, बैक टू बैक माय ट्यूब चैनल। तो गाइस, फिर भी मैं आपने जिस प्रकार का ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग देखा, ये अभी इंस्टाग्राम में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप भी कुछ इस प्रकार का वीडियो एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं और इंस्टाग्राम में अपलोड करके अच्छा खासा फॉलोअर इनक्रीज करना चाहते हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस तरह वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन VN की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपके पास VN एप्लीकेशन नहीं होगा तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो VN एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने VN एप्लीकेशन में ओपन होके आएगा। तो आपको ऊपर में जो स्कैनर जैसा ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तब ऊपर में जो गैलरी वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपके QR कोड को सिलेक्ट करना है। एक QR कोड में कहाँ मिलेगा ये मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आपको नीचे में जो यूज टेम्पलेट लिखा हुआ है, अगर आपने फर्स्ट बार इस टेम्पलेट यूज़ किए करेंगे तो आपको इस टेम्पलेट दिखेगा, नहीं तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो मैंने फर्स्ट बार नहीं करा है, दूसरी बार कर रहा है, इससे पहले एक बार यूज किए थे, इसीलिए मेरा यूज टेम्पलेट का ऑप्शन दिख रहा है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो सिलेक्ट करना है एक, जिस फोटो के साथ वीडियो आप बनाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर फोटो पे क्लिक करना है और आपको एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा कैंसिल और रिप्लेस का, तब रिप्लेस पे टाइप कर देना है तो फोटो ऐड हो जाएगा। तो मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से वीडियो बनेगा और जिससे कितना अच्छा से इमेज भी सेट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो में अभी साउंड नहीं है तो इस पर साउंड ऐड करना होगा। सबसे पहले इसको आप एक बार एक्सपोर्ट कर लीजिए और आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना जितना आप में डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं 720 और फ्रेम रेट को 30 ही रखना, इससे अच्छा क्वालिटी में वीडियो डाउनलोड होता है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर 5 से 10 सेकंड का वेट कर लेना है। तो फाइनली वीडियो डाउनलोड हो चुका है। तो आपको नीचे एनिमेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, इन आउट कॉम्बो, तब इन पे ही रहना है। अभी जो वीडियो फर्स्ट में जो इफेक्ट है से दोबारा प्लस इन, इसी को आपको ऐड करना है। इसे क्लिक कर देना है और इसे खींच के आपको बड़ा कर देना है और सेव पे टैप कर देना है, इफेक्ट लग जाएगा। साउंड ऐड करना, सेकंड वाला फोटो पे क्लिक करना है, एनिमेशन में जाना है, इस पे आपको क्लिक करना है और सेम तरीका से आपको फ्लैश इन इफेक्ट को इसमें ऐड कर लेना है। तो आपको पांचों फोटो में और आपको फ्लैश इन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूं, मुझे साउंड को लेना होगा। तो यहाँ पर आपको माय मैजिक पे एनिमेशन को ऐड करने के बाद आपको फोटो में कुछ इफेक्ट ऐड करना है, क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है और यहाँ से वीडियो को पे टाइप कर और यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं अभी म्यूजिक ऐड हो चुका है, आपको क्लिक कर देना है और इस पे टाइप कर देना है और आपको यहाँ पर सेव पे टाइप कर देना है। तो यहाँ पर सॉन्ग ऐड हो जाएगा, ऊपर में देख सकते हैं आपको। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, फिर से वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो हमारा वीडियो कुछ इस टाइप से बन के तैयार हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको QR कोड स्क्रीन पे शो कर दिया जाएगा लास्ट में, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट करके क्रॉप कर लेना है और आपको यहाँ पर स्कैन कर लेना है।